रविवार को चेन्नई में श्रीदेवी की प्रेयर मीट रखी जाएगी, जहां फैमिली मेंबर सहित बड़ी संख्या में बॉलीवुड सेलेब्स के पहुंचने की उम्मीद है। इसी बीच सोशल मीडिया पर श्रीदेवी की उनकी देवरानी यानी अनिल कपूर की पत्नी सुनीता के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें दोनों देवरानी जेठानी ट्रेडिशनल ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं। लाइमलाइट के दूर ही रहने वाली सुनीता को लेकर कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने भी श्रीदेवी बोनी की तरह ही अनिल कपूर से लव मैरिज की थी। हालांकि इनकी लव लाइफ की रियल स्टोरी काफी फिल्म रही है। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, तब अनिल कपूर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और सुनीता एक जानी मानी मॉडल। अनिल सुनीता को देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। वे उनके करीब आना चाहते थे, लेकिन उनके पास सुनीता तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। फाइनली अनिल के दोस्तों ने उन्हें टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कराया। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अनिल सुनीता की आवाज के दीवाने हो गए थे। कम ही लोग जानते हैं कि स्ट्रगलिंग के दिनों में अनिल कपूर के पास टैक्सी का किराया देने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सुनीता ही उनका खर्च उठाती थी। अनिल ने एक इंटरव्यू में बताया था, सुनीता से फोन पर बात करने के दौरान एक दिन उनसे मिलने की बात कही। वे तैयार हो गए तब सुनीता ने पूछा, कितनी देर में पहुंच जाओगे? तब मैंने कहा 2 घंटे में। सुनीता ने कहा, इतना वक्त क्यों? तब मैंने कहा, मैं बस आऊंगा तो इतना वक्त तो लगेगा ही। उन्होंने कहा, बस क्यों आ रहे हो? मैंने उन्हें साफ बताया, मेरे पास उतने ही पैसे हैं। तब सुनीता ने अनिल से कहा, आप कैब कर लो, मैं यहाँ उन्हें पैसे दे दूंगी। इस डेट के बाद दोनों बस और टैक्सी से मुंबई की खूबसूरत जगहों की सैर करने लगे। सुनीता नामी मॉडल होने के बाद भी बस से घूमने में आपत्ति नहीं जताती थी। वे ही अनिल का पूरा खर्च उठाती थी। यही नहीं, सुनीता से बेहद प्यार करने वाले अनिल ने दोस्तों की सलाह के चलते 2 बार शादी पोस्टपोन कर दी थी। हालांकि 19 मई 1984 को फाइनली इनकी शादी हो गई। छोटे मोटे रोल किए फिल्मों में। करियर के शुरुआती दौर में अनिल को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हुए थे। अनिल ने हमारे तुम्हारे 1979, शक्ति 1982 जैसी फिल्मों में साइड रोल किए। उन्हें 1983 में आई फिल्म वो 7 दिन में बतौर लीड एक्टर का रोल मिला। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद 1984 में आई फिल्म मशाल ने उन्हें खासी पहचान मिली। इसी बीच अनिल ने सुनीता से शादी करने का फैसला किया। दोनों की शादी पर उनके परिवार वालों को तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन अनिल के बॉलीवुड के दोस्तों को आपत्ति थी। उन्होंने अनिल को सलाह दी कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। दोस्तों की बात मानकर अनिल ने 2 बार शादी की डेट भी टाल दी। जब अनिल ने दूसरी बार शादी की डेट टाली तो सुनीता ने आपत्ति जताई और कहा, ऐसा नहीं चलेगा, लिया था शादी करने का फैसला। एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने बताया था कि पैसों की कमी के कारण वे सुनीता से शादी कर पा रहे थे। कुछ तो दोस्तों के कहने पर और कुछ पैसों की कमी के कारण उन्हें 2 बार शादी टालनी भी पड़ी थी। लंबी मशक्कत के बाद उन्हें सुभाष घई की फिल्म मेरी जंग मिली थी। जैसे ही उन्होंने फिल्म साइन की थी और उन्हें साइनिंग अमाउंट मिला था, उन्होंने तुरंत शादी करने का फैसला किया था। फिल्म साइन करने के दूसरे ही दिन उन्होंने शादी की थी। आनन फानन में उन्हें शादी की तैयारियां करनी पड़ी थी। दोनों ने 19 मई 1984 को शादी की थी। दोनों के 3 बच्चे सोनम कपूर, रिया कपूर, हर्षवर्धन कपूर हैं। फिल्म मेरी जंग 1985 में रिलीज हुई थी और हिट रही थी। सुनीता ने छोड़ दी थी मॉडलिंग। शादी के बाद सुनीता ने अनिल के करियर को ही अपना करियर मान लिया। उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर घर संभाला और अनिल का साथ दिया। वे उनके लिए ड्रेस डिजाइन करने से लेकर उनके साथ शूटिंग पर विदेश तक जाती थीं। कई बार अनिल का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने इसे अफवाह मानकर टाल दिया। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट। I'm not going to do that.